हर साल भाद्रपद मास की छठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र को दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन के लिए हरछठ या हल षष्ठी व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं ऐसे खेत में पैर भी नहीं रखती जहां फसल पैदा होनी हो और ना ही पारण करते समय अनाज और दूध दही खाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हरछठ व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना वर्जित है। इसकी जगह आप भैंस के दूध से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन हल जुता हुआ अन्न या फल बिल्कुल भी ना खाएं। इस दिन महुए की टहनी से निकला हुआ दातून करें। हरछठ के दिन निर्जला या निराहार व्रत कर सकती हैं। अगर आप निराहार व्रत कर रही हैं तो ध्यान रखें, आप चाय कॉफी आदि का सेवन कर सकती हैं, लेकिन भैंस के दूध से बना हुआ। वहीं शाम को पूजा अर्चना संपन्न करने के पश्चात पसहर का चावल या महुए का लाटा बनाकर चंद्रमा दर्शन करने के बाद अपना व्रत पारण कर सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।